अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो भी मैंने स्कूल की तैयारी की थी या प्रिपरेशन की थी, और इसके अलावा थोड़े से हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स दे दूँगी साथ साथ, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि जो स्कूल की मॉर्निंग्स होती हैं उनको आप कैसे ईजी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, सीरियल का डिस्पेंसर था। इसमें आप कोई भी सीरियल किसी टाइप का भर सकते हैं और उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो पहली टिप ये है कि आप अपने पूरे किचन के अंदर एक छोटी सा एक एरिया बना लें जिसको आप ब्रेकफास्ट स्टेशन कह सकते हैं। बच्चे जो हैं आपके ब्रेकफास्ट में जो जो चीज़ें जैसे ऐसी हैं जो आप टू गो वाली जो होती हैं, जैसे पाउचेज़ हो गए, सीरियल हो गया, या ओटमील के जो है वो पाउचेज़ आते हैं, जो भी आपके बच्चे जो है वो खाना पसंद करते हैं जो कि आप सुबह क्विक बना सकते हैं, वो सब आप इसके अंदर अरेंज कर लें। तो मैंने जो है एक एरिया जो है बना लिया, उसके अंदर सीरियल का डिस्पेंसर मैंने रख दिया था, थोड़े से एप्पल पाउचेस रख दिए थे और ओटमील रख दिए थे, उनके फेवरेट कप्स वगैरह अगर जूस पीना है या दूध वगैरह। स्कूल की जो सुबह होती है वो कितनी भी आप कोशिश कर लो और कुछ ना कुछ रह जाता है, मिलती नहीं है चीज़ें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ जो है वो मैं एक जगह पर कर लूँ ताकि मुझे आसानी हो और सुबह कुछ ढूंढना ना पड़े। ये मुझे अमेज़ॉन से जो है बड़ा प्यारा सा एक बॉक्स मिला था, उसके अंदर तीन ट्रे लगी हुई थी और साथ में जुड़ी हुई थी, तो इसमें आप जैसे अपनी स्टेशनरी भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने जो है यूज़ कर लिया था, सारे जो हेयर एसेसरीज़ और सुबह जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, ब्रश हो गया या लिप बाम, सनस्क्रीन वगैरह, तो मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। कुछ चीज़ें जो है रखी हुई थी, बो वगैरह जो मिशाल बहुत पसंद है उसको भी यूज़ करती है, कुछ मैंने छोटे क्लिप्स ले लिए थे ताकि वो बाल साइडों से निकलते हैं तो वो लगाने के लिए आसानी हो, और जो रबर बैंड्स जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं वो ले लिए थे। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है बच्चों के साथ, मिशाल तो बड़े खुशी खुशी आई, उन्होंने सारा कुछ सेट कर दिया, मुझे करना ही नहीं पड़ा। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, एक जगह सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अगर जैसे बॉयज़ हैं तो उनके लिए हेयर जेल वगैरह रख दें। नहीं है कि आप कोई बॉक्स ख़रीदें, आप जैसे बास्केट भी बना सकते हैं या कोई एक छोटा ऐसा जो है छोटा सा बॉक्स ले लें जिसके अंदर एक जगह पे सारी चीज़ें रख लें। सुबह ये है कि आप बस उठें, और अगर जैसे बाल बनाने, क्योंकि लड़कियों के बाल ज़रा बड़े होते हैं तो फिर ये है कि उनको टाइम लगता है बनाने में। तो जो चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर किसी को बाय करना हो तो वो बाय कर सकते हैं, वरना यह है कि आप अमेज़ॉन पर रेगुलर सर्च भी करें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। 3 दिन से मैं भी बीमार थी, बच्चे भी बीमार थे, और हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो गई है कि कुछ करने का दिल नहीं करता। बड़ी मुश्किलों से मैंने स्कूल की तैयारी की है। तो नेक्स्ट जो टिप है ना वो बड़े मज़े की है, मैं हमेशा जो है स्कूल जाना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही कर लेती हूँ, बल्कि हर 2 वीक्स के बाद ना मैं सेटिंग कर लेती हूँ। पहले तो आप सारे जो वीक के कपड़े आपने डिसाइड करने और उनको वॉश करना है, अगर आपके पास प्रेस करने का टाइम है तो आप जो है इस्त्री करके उसको रख लेंगे। उसके बाद जो है वो जो भी आपको जैसे मैचिंग, अगर ट्राउज़र है उसके साथ शॉर्ट्स हैं, जीन्स हैं, तो उसके सेट्स बना लें। स्कूल के कपड़े मैं ज़्यादातर बहुत कम्फर्टेबल रखती हूँ, ईजी टू जो है यूज़ करने वाले, शूज़ भी इसी तरह ही रखती हूँ। नहीं करना है कि या तो कोई बास्केट ले लें या बिन्स ले लें, या अगर आपके पास क्लोज़ेट में स्पेस है इस तरह से तो आप स्पेस बना लें, या फिर मैंने जिस तरह ये यूज़ किया है ऑर्गेनाइज़र आप ये यूज़ कर लें। बाद आपने जो कभी कपड़े डिसाइड किए हैं उनको सेपरेट सेपरेट जो है वो हर रैक में रखते जाना है, जैसे मंडे से स्टार्ट करना है और जितने दिन भी बच्चा स्कूल जाता है आपका, तो उस हिसाब से आप कपड़े इसमें सेट कर लें। आपको बड़ी आसानी होगी, पूरे वीक में आपको कपड़े डिसाइड नहीं करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टिप्स तो मैंने दे दी, अब ज़रा आते हैं मील प्रेप की तरफ। तो मैं आपको आज जो है ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बताती हूँ बहुत ही क्विक, और जो आप पहले से बना के रख सकते हैं और फिर उनको फ्रीज भी कर सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। शुरू का जब भी स्कूल के डेज़ होते हैं, जब काफ़ी दिन बाद स्कूल खुलता है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मूड में होते हैं, उनका रूटीन डिफरेंट होता है, तो फिर नाश्ते पर इतना ज़्यादा जो है हैवी कुछ नहीं खाते, तो मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं बहुत क्विक बना लूँ। पैनकेक्स जो हैं बच्चों को पसंद है और मैं हमारे घर में हिट हैं, तो मैं जो हूँ बड़ा सा एक पैक लेती हूँ कॉस्को से, अगर आप चाहें तो उसको घर में भी बना सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी किसी और वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप किस तरह से उसको बना के ज़्यादा पहले से रख सकते हैं। वैसे तो आप पैन के अंदर जैसे तवा होता है उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे पैनकेक्स बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा क्विक टिप है, इस तरह होगा ये कि आप एक ही बेकिंग डिश में पूरा जो मिक्सचर है, बैटर है, उसको डालें, उसके अंदर चॉकलेट, स्प्रिंकल्स, जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो डाल के और इसको बेक कर लें। इससे थोड़ा पकाने में भी टाइम बच जाएगा आपको, अलग अलग जो है वो पैनकेक्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और इसके अलावा इसको फ्रीज़ करना या फ्रिज में रखना बहुत आसान होगा, और सुबह जो है वो आप बस इसको सर्व कर सकते हैं।
केक जब तक बेक हो रहे हैं 350 फ़ारेनहाइट पे, तब तक मैं आपको दूसरी रेसिपी दिखाती हूँ जो कि बहुत यमी भी होती है, क्विक भी होती है। मेरी कोशिश होती है सुबह के टाइम में तीनों चीज़ें, फैट और प्रोटीन और कार्ब्स, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ में मिला के मैं किसी तरह खिला दूं बच्चों को। तो मफिन्स जो हैं सबसे अच्छे रहते हैं और जो है वो हेल्दी भी होते हैं अगर आप इसको हेल्दी की तरीके से बनाएंगे, और फिलिंग भी होते हैं। अंडे भी हो गए, चीनी भी, बटर भी, कार्ब्स भी हो गए। आप चाहें तो इसके अंदर पैनकेक का बैटर भी मिक्स कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा प्रोटीन हो जाएगा। और जो भी आप इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने बनाना ऐड किया है। फुल रेसिपी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने बस अंडे डाले हैं, उसके बाद फेट के शुगर डाली है, इसमें ब्राउन भी यूज़ कर रही हूँ, वाइट भी, और बटर भी यूज़ करती हूँ, और ऑयल भी, और सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अच्छा, आज जो सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको वो आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, आप चाहें तो लंच में भी दे सकते हैं। लेकिन लंच के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको डिटेल में बताऊँगी कि आप क्या क्या ऑप्शन हैं और किस तरीके से आप लंच दे सकते हैं। रेसिपी में जो फ्लावर था वो मैदा था, ऑल पर्पज़ फ्लावर, लेकिन मैं यहाँ होल व्हीट यूज़ कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा और हेल्दीश हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो आप रेगुलर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने सारे लिक्विड वाली चीज़ें मिक्स कर ली थी, उसके बाद जो है वो सारा फ्लावर और पाउडर वगैरह मिक्स करके हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स किया। अच्छा, अगर आपको मिनी साइज़ के बनाने हैं तो इसमें आराम से 24 बन जाएंगे, अगर बड़े साइज़ के बनाने हैं तो 12 बन जाएंगे, और अगर मेरी तरह मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो 16 से 20 तक बन जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है आप इसमें जो है वो स्पिनच भी ऐड कर सकते हैं, बॉईल करके और मैश करके, बनाना, एप्पल, पीच और पियर्स वगैरह। पैनकेक रेडी हो गए हैं, बस इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद जो है इसको स्लाइस करूंगी। अब मफिन मैंने अंदर रख दिए थे और फिर तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में ये रेडी हो गए थे। आजकल इतनी गर्मी है तो ओवन चलाने से भी घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जल्दी जल्दी मैं पहले सारी बेकिंग सुबह ही कर लेती हूँ। इसी रेसिपी जो है ना बहुत क्विक है लेकिन बहुत हेल्दी है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इसको पूरा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा क्लिप मिक्स हो गया है, इसमें जो है मैं एनर्जी बॉल्स बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने ओट्स लिए हैं 1 कप, आप कोई भी रोल ओट्स ले सकते हैं, और खजूरें ली हैं मैंने, उसमें से सीड निकाल दिया है, और कोई भी नट बटर, या फिर अगर नट बटर नहीं है तो आप सिंपल नट्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट रेसिपी नहीं है, अगर जैसे आपको जो है वो हार्ड लग रही हैं एनर्जी बॉल्स तो आप थोड़ा सा शहद या पीनट बटर और डाल दें, और अगर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़े से ओट्स डाल दें। तो इसमें ये है कि आप आई बॉल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट डालती हूँ और सिनेमन डालती हूँ, उससे बड़ी खुशबू आती है एनर्जी बॉल्स में। इसको आप किसी बॉल में डंप कर लें, उसके बाद अगर जैसे अगर आपको बार्स बनानी है तो आप इसको जो है वो फ्लैट सरफेस पे बार्स भी बना सकते हैं, एनर्जी बॉल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि सेट हो जाएँ और थोड़े से ठंडे हो जाएँ। स्टोर करने के लिए इनको दो तरीके हैं, अगर जैसे आपने बड़े बैच में बनाया है तो मैं ये करती हूँ कि हाफ हाफ कर लेती हूँ, हाफ फ्रिज में रख देती हूँ, हाफ को जो है फ्रीज कर लेती हूँ जब पूरे ठंडे हो जाते हैं। बाहर काउंटर पे आप छोड़ नहीं सकते, आजकल बहुत गर्मी है, आप इसकी जगह फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप जितनी भी आपको सर्विंग साइज़ चाहिए, बच्चे जितना पीस खाते हैं बड़ा, उतने आप पीसेस कर लें। जैसे पैनकेक के मैंने अब यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स में ना पीस कर लिए थे, अभी मैं जिप लॉक में करके रख रही हूँ दोनों चीज़ों को। तो फिर जितना भी मुझे पीस चाहिए होंगे मैं उतने निकाल के फिर उसको रीहीट कर लूँगी। और इसी तरह जो है वो एनर्जी बॉल्स हैं, उनको मैं फ्रिज में रख रही हूँ, आप चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जैसे बच्चे सुबह पराठा ही खाते हैं या अंडा खाते हैं तो आप पराठा रोल बना के अंडे में इस तरह रैप कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं सुबह बहुत कम टाइम होता है तो मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं होता है कि मैं उनको जो है फूड हाथ से खिलाऊं, तो मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं क्विक बना लूँ। एक दिन पहले ही मैंने जो भी ग्रॉसरी की थी, फ्रूट्स वगैरह ख़रीदे थे, उनको मैं थोड़े देर पानी में सोख करके विनेगर में रखा था और उनको जो है रिंस करके वॉश करके ड्राई कर लिया था। आसानी होगी, फ्रूट वगैरह सारे वॉश होंगे, सुबह जो है आपके पास ऑप्शन होगा, अगर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना भी खाना चाहें तो जस्ट उनको फ्रूट ही सर्व कर दें तो कुछ ना कुछ उनके पेट में चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जो है मैं स्मूदी के पैक्स भी बना लेती हूँ, जो भी बच्चे पसंद करते हैं, ज़्यादातर बनाना है मैंगो या स्ट्रॉबेरी हो गया, कभी कभी स्पिनच ऐड कर देती हूँ। तो ऐसे मैं सर्विंग साइज़ के हिसाब से ना, जैसे नोआ और मिशाल के लिए मैंने स्मूदी बनानी है सुबह, तो मैं उतनी ही फ्रूट डाल के और उनके बैग्स बना लेती हूँ। से होगा ये कि सुबह आप उठ के अगर बच्चे लेट हो गए या आप जो है बच्चे नहीं कुछ खा रहे तो एटलीस्ट ये है कि स्मूदी जो है दी जा सकती है, इसके अंदर मिल्क है और फ्रूट्स हैं, वेजीज भी डाल सकते हैं और भी चीज़ें, सीड्स, नट्स वगैरह डाल सकते हैं।
जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो उस वक्त बिल्कुल दिल नहीं करता था सुबह खाने का, तो अब मैं सोचती हूँ कि इस तरह की क्विक चीज़ें अगर होती तो हम शायद उस वक्त खा लेते। पहले दिन मुझे बड़ी आसानी हुई, सब चीज़ें जो हैं वो रखी हुई थी, छोटे छोटे मैंने ऑप्शन सारे सामने रख दिए थे, रीहीट कर दिया था मिशाल ने, सीरियल खाना था तो उन्होंने खुद ही निकाल दिया था, नोआ को जो है वो थोड़े से पैनकेक्स भी खाने थे और उनको मफिन्स भी खाने थे, तो मैंने सब चीज़ें रीहीट कर ली थी। सुबह जो है टाइम पे तैयार हो गए थे हम सब, और फिर नीचे आके जो है वो अपनी पसंद से उन्होंने जो भी हेयर क्लिप वगैरह लगाने थे मैंने उनसे पूछा, उनके मैंने बाल बना के उनको तैयार कर दिया था। इंस्टाग्राम पे छोटा सा मैंने व्लॉग भी शेयर किया है, अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लें, मैं वहाँ छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स और स्टोरीज़ वगैरह लगाती रहती हूँ ताकि आपको अपडेट मिलती रहे डेली लाइफ की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।